प्यारे बच्चों नमस्कार। एग्जाम कोई भी हो, रिलेटिव परमिटिविटी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कभी एक नंबर में, कभी दो नंबर में, कभी तीन नंबर में, कोई भी एग्जाम हो। तो देखिए, सबसे पहले रिलेटिव परमिटिविटी है क्या। कोई भी दो चार्ज को अगर किसी सर्टेन डिस्टेंस पर अगर हम हवा में रखें तो उस समय जो फोर्स लगेगा, फिर उसी दोनों चार्ज को उतने ही डिस्टेंस पर आप किसी भी मीडियम में रख दीजिए, चाहे पानी में रख दीजिए, करासन तेल में रख दीजिए, सरसों तेल में रख दीजिए, तो इस दोनों का जो रेशियो होगा, जैसे पहले एयर में रखा, फॉर्मूला आपके पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 / r² आता है, फिर यहाँ पर किसी भी मीडियम में रखा FM 1/4 πε Q1 Q2 / r², जब इस दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो वैसे स्थिति में हमें जो मिलेगा वह रिलेटिव परमिटिविटी होगा। और यही रिलेटिव परमिटिविटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। यह जो FA और FM, इस दोनों का रेशियो होता है, ठीक है। और फिर दूसरे तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि एप्सिलॉन आर, जो आप जानते हैं कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और नीचे परमिटिविटी ऑफ एयर, लेकिन जब हम फोर्स के रूप में लिखेंगे तो ऊपर एयर होगा और नीचे मीडियम होगा। याद रखिएगा, उल्टा होता है यहां पर, यहां पर ये मीडियम का, ये एयर का, फोर्स की बात करेंगे तो ऊपर एयर, नीचे मीडियम, ठीक है। तो यहां पर एप्सिलॉन आर को डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। और एप्सिलॉन आर का वैल्यू एक से ज्यादा होता है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू एक से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? तो इसलिए ज्यादा होता है कि एयर में जो फोर्स लगता है वो सबसे ज्यादा होता है। एयर में जो फोर्स लगता है बच्चों, वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और बाकी किसी भी मीडियम में जो फोर्स होता है वो घट जाता है। इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू एक से ज्यादा होता है, क्यों होता है? इसके अंदर की बात हमने बताई अभी आपको कि एफ ए इज ग्रेटर देन एफ एम। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटिव परमिटिविटी का बनता है, एप्सिलॉन आर हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। एप्सिलॉन आर का कोई भी यूनिट, कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन एप्सिलॉन का होगा और एप्सिलॉन नॉट का भी होगा, एप्सिलॉन आर का नहीं होगा। आर जहां आ जा रही है, रिलेटिव मतलब हुआ रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी का कोई भी यूनिट या डायमेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑल्सो नोन एज डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, इस बात को भी याद रखना है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हुई जो आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट। ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू।